बहन का है। मैं कहती हूँ मेरी बहन कहाँ गई? मेरा महाराज कहाँ गया? मेरी बहन, मेरी बहन। अच्छा, जैसे ब्रह्मवाणी है, निर्गुण शब्द है, हो सकता है कि सती सोना है, नेत्र नेत्र मिलने से हो सकता है मूर्छित आ गया हो, मूर्छित आ गया होगा। उपाय क्या है? इसकी उपाय है, कनगुड़िया अंगुली में अमृत की धारा है, चीर के दिया जाए। वह चीर के उसको मुखार में दिया जाएगा, दोनों बेचैन सो है सही हो जाए। रुदल महाराज कभी नहीं कुमारी सोना के सूरत देखी थी? नहीं, कुमारी सोना कभी रुदल के नहीं देखी थी? नहीं, इसलिए दोनों का मूर्छित लग गया, नजर टकरार होने से मूर्छित हो गया है। हाँ, आपको नैन चार होने से मूर्छित उसी को कहता है। हाँ, उसी को कहता है। आपको कनगुरिया आरी में अमृत का घरा है। हाँ, उसको चिरने से दोनों का मूर्छित कट जाएगा। तो जल्दी में करल जा, जल्दी करते हो रे ये वो करते हो तो बड़ी मोटान मोटा गया तुम लोग। खाने इतना मिला है मत पूछिए, खाने हम लोग सब इतना खाए हैं। अरे तुम लोग बहुत मोटान मोटा गया है, की बात है? खाना खाया तुम लोग? हमको तो खाना मिल गया, आपको नहीं मिला? हमको खाना कहाँ मिला? हमको खाना कहाँ मिला? आप लोग अपन खाना खा लिए खाइयो का झूठ बोलते रहे। अरे बोलो महाराज, आप देश महाराज में कसम खाए हुए थे। हाँ, कि जब तक सोना के सूरत नहीं देखूंगा तब तक दाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। तुम्हारी सोना बैठी हुई है, आप जाकर भी खाना मांगिए, खाइए। तुम लोग खाना खा लिए? एकदम टाइट है। भाभी रहना वाली है, मैं जाकर के मिल रहा हूँ।
चुके मैं भाभी। चुप चुप शादी हुई नहीं, कब की देवर कब की भाभी। चुप चुप सोना क्या बोली है। चुप चोट्टा सोना बोली है कि चुप चोट्टा शादी हुई नहीं है भाभी और देवर को रिश्ता जोड़ने चली है। कब की देवर कब की भाभी। मिलन अरे साले तुम बधाई बजाते हो, यहाँ बीरो का मोच गिर गया साला तुम बधाई बोलाते हो, साला तबली बजाते हो। तीन कोनवा चोरी में हम कल छोड़ देव। चुप चोट्टा जो भी बात हो रहा है यही रहना देना, फिर मोहब्बत में किसी को नहीं कहना। कहा से हमर बेटा बेटा नहीं तू तू बेटी है रे समीर सर। मिलन किसी आदमी को ना कहना कि एक सोना की कारण उदल दर दर को ठोकर खाया। जी नहीं ऐसी बात नहीं होना चाहिए। सोना मर्द की बात मर्द के साथ रहा। सोना सामने आओ। क्या बात है, मैं तुम्हारा देवर नहीं हूँ। कब का देवर है ये, उदल से कोई नाता नहीं। कोई नाता नहीं, मेरी नजर किस सामने से दूर हो। सोना तुम अपने गौर लगा करके तुम अपने मैं सुनती हूँ बोल रहा हूँ, गौर से सुनो और दर्शक भी सुनेंगे और साथ साथ जितने तुम्हारे साथ सहेली है वो भी सुनेगी। क्या रे हम हेहरा बैल है रे साला, रे साला तुम जो कहता है सुबह मात मान रहा हूँ। बाबू ऐसा आदमी ना चाहिए, दाढ़ी धरे छियो गोर धरे छियो मेरी बात को मानो, मैं और कहानी सुन लो। जिस दिन तुम्हारा भाई छोटक सिंह सुबह इंद्र बुलाया, छोटक सिंह मेरे गृह में एक बहन सोना जवान हो चुकी है, मेरे नाम से सोना की नाम से टीका मैं दे रहा हूँ। मेरे प्रतिज्ञा को कानून लेकर को आपको सोमवार पर दे रहा हूँ। ये प्रतिज्ञा को जो वीर थाम लेगा वो टीका चढ़ा लेगा। किला एकाउनों में तुम्हारे भाई घूम गया, मैं भाई देवनंदन को साथ बनबरी में शिकार खेल रहे थे, समझे। मैं सुनती हूँ। सुन रही हो कि नहीं। मैं सुनती हूँ। जब वो तुम्हारे भाई छोटक सिंह गाली देते आ रहे थे वापस कि वीर बिहुन हो गया, अभी दुनिया में छतरी कोई नहीं है। कौन कहा? तुम्हारे भाई छोटक सिंह बोलते है गाली देते हुए छतरी को आया। अच्छा क्या मेरे बहन कुमार रह जाएगी, कोई वीर नहीं टिका था। मैंने रास्ता को जाम किया, छोटक सिंह के पूछे कैसा टीका है, वो कहा मेरे गृह में एक बहन सोना है, तीन भाई का भैयारी का बीच में एक सोना नाम का बहन है। मैंने कहा किस लिए घूमते हो, मैंने कहा कि मैं शादी कराने के लिए मैं टीका लेकर के घूम रहा हूँ। कोई भीड़ नहीं था माँ भैया सुबह इंद्र को प्रण से। मैंने कहा क्या क्या प्रण है, वो कहा महाराजा प्रण को नाम सुन लीजिए। पहला प्रण मेरा कि जो मेरा नदी नाल है वो गंगा बहुत ही बह रही है, नरकट काट को पुल बना देना है, समझे। मैं सुनती है। और 14 कठा का पोखरा मेरे सिंह दरवाजा से नीचा कराया गया है, जो उल्टी बाघ उल्टी घोड़ा जो लेधुर से वो डबरा के भर देगा। 2 प्रण हुआ मेरे राज में, एक दरवाजा पर चंदन को गाछ है। अच्छा एक छो में जो काट देगा वो प्रण है मेरा, जो नाग की मरवा बना देगा वो प्रण है मेरा। जिस समय में शिवा इंद्र से टकरार होगा, जो मेरे भैया से जवान नैना से निकल जाएगा वो मेरे नैना में आएगा।
मेरा पांच प्रतिंगा है, मैंने पांचों प्रतिंगा को थाम लिए अपने। हाँ, मैंने थाम करके लाए नैना से कि मैं चढ़ के आऊंगा नैना, मैं तुम्हारे टीका थामूंगा मेरे मोहसात मोहब्बत। मैं मोहब्बत लाए। अच्छा, मैंने कहा कि आप अपने बहन की लायक मेरे भाई अल्हा को मिलाइए, यदि सोना की नाम से मिल जाएगा तो मैं शादी करूंगा। जब छोटक सिंह पढ़े लिखे थे तुम्हारे भाई, अनाम से अल्हा सो नाम से सोना, दोनों का राशि मिला, शकल सूरतिया मिला, तुम्हारे भाई कहा कि मेरे बहन की लायक आपका भाई है, टीका चढ़ा लीजिए, परंतु पूरा कर दीजिएगा तो चढ़ा लीजिए। मर नारी को महल से मंगाए, मंगल मरार होने लगा, टीका सोने कहे कि ये फागुन बनबरी से मोहब्बत आते आते बीत गए, इंदे माघ श्री पंचमी के समय भरा करेगा तो मैं तुम्हारे नैना में चढ़ाई करूंगा, या फागुन को मैं शादी करूंगा भैया को। उस समय में चलने लगा तुम्हारे भाई, चोरा या सरफी जोरा धोती पांचों टू कपड़ा विदाई किए, आपने किए, मैं किया, मैं किया उसे वो जीजा समझ के प्रणाम किया, मैं सलाह समझ करके उसे आशीर्वाद दिया। दतमन चिबाऊ हार चिबाऊ, जो सुरतिया न सोना के देखू, मोहबा दाना गौ का मांस, तुम्हारी कारण में सफल को खा करके नैना में प्रवेश किए। आप शपथ खा के पहुंचे हैं, आपका इंतजार बहुत दिनों से मैं करती थी, कब तिवर जी आएंगे डोली सजा कर लेकर जाएंगे। अरे तो सारा बराती खाएंगे पिएंगे, आए शराब करेंगे, यहाँ घर भैया व्यवस्था नहीं कर नहीं करती, खाना ले टटका मैदान के हल हुआ, टटका मैदान होता कि मैदा होता, ठंडे पानी से पैर पका, ठंडे पानी के Yeah!
सकते थे कि हम न जाएंगे बाराती में, बाराती में हमको इज्जत नहीं होगा, हम बूझ रहे थे। जा हो गुरु दीनानाथ हो अंजनी के पुत्र बाबा बजरंग बोली। आप तो देश मोहब्बत में ऐसा ही बैठते हैं, कुर्सी पर बैठने का ढंग नहीं है। वैसा ही बैठता है, हम अपना दिमाग से बैठते हैं। काहे पूछिए किस लिए? किस लिए? जब हनुमान जी जो गए थे लंका में, अच्छा माता जानकी के पता लगाने के लिए, अच्छा तो रावण ने क्या किया? उसको आसन नहीं दिया बैठने के लिए, नहीं दिया बैठने के लिए, नहीं दिया। उसको स्वागत नहीं किया, नहीं अपना सत से किया। तो इसने हम कहा कि सबसे ऊपर हम ही ने काले बैठेंगे। आप हनुमान जी है? हनुमान जी है, जहीं तहीं फाग देंगे। बैठिए ना, इस समय देवर जी को मैं अपने बिस्तारा पर बैठा दी। अच्छी ढंग से जो कहेंगे सेवा मैं करूंगी। सेवा करवाई गए देवर जी भागिए। मैं छोटा नहीं हूँ कि डोली से डालूंगा। पहले जो व्यवस्था है वो करो, इसके बाद मैं डोली। क्या व्यवस्था? खाना खिलाओ। खाना खाइएगा? खाना खिला दी। ठीक है देवर जी, भैया
हंसते क्यों? क्या बोली? क्या मुझे तलमन उघार देखे हैं सो हंसे हैं? सोना मैं तुम्हारी याद याद करो, ये कच्चा उदल नहीं है पक्का उदल है, ये खेल कच्चा नहीं है पक्का खेल है। तुम अपने हर कदम पर जांच रही है उदल का कि कोई भी बात में ये फोल्ट आ जाएगा, लेकिन उदल वो कच्चा उदल नहीं है, पक्का दुर्गा के आशीर्वाद से ये पक्का सुदामन है पक्का है। तुम सुन ले, मैं सुनती है, हंसी इसलिए आया है कि मैं मेरी माँ देवला जैसे बुढ़ी मोहब्बत में जिस प्रकार के खाना बना करके खिलाती है, अच्छा जिसे मेरे माँ देवला के हाथ की खाना में टेस्ट आया, दोनों का मैंने एक समझे कि जैसे माँ देवला खाना बनाती है जिस प्रकार की भोजन में रुच आता है वैसे इसको हाथ की खाना में रुच आया कि मोहब्बत की महारानी ये बनी, इसीलिए मेरे हंसी आ गया। ठीक है रेवती, चलिए भोजन कीजिए। की साइड में
यादों से, अपनों कटारों से भैया सुरेंद्र को सर में कभी नहीं काट सकती। सत बनाई है, सत तो पहले ही बना चुकी है। देवर्जी गलत है, नहीं तो तुम अपने हाथ से भाई सुरेंद्र को सर नहीं काटिएगा, बाल कुमार रह जाएगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी केस तिलक जाएगी, सुभाइंद्र घोड़ा की घास नैना में खिलाएगी, गुजर गुजरात करा देगी, सोना देने लगी ललकार। अपने भाई सुभाइंद्र को लेकिन ये बात अब है, अब मिलान आप फागुन चढ़ने वाला है जी, नर नारी लोग का लगाओ जी, आया पम भोला का भी पूजा होने वाला है जी, रंग अबीर चढ़ने वाला है जी, नए मोहब्बत नए नाम के होली होगा, इसके बाद सुभाइंद्र को परवाना दो कि पहले जल चढ़ाओ बम भोला पर। रणवीर आप जो कहते हैं रंगवीर खेलने के लिए 1,00,000 के मुझे सारी क्या बुराई करती हो ये सारी के, ये हमको तो सुन करके दिमाग कोई बात नहीं है मिला क्या है ये हो, ये ऐसा साड़ी तो महबा में बाजी मिलती है, ये साड़ी को बुराई करती है, ऐसा साड़ी मेरे महबा के बाजी लोग पहनती है, ये काठी लागी देवरा कालो यही बतो भैया Oh,
पहला एक होली हो, इसके बाद तुम अपने भैया सुभाष इंद्र को। जब आपको इच्छा है रंग वीर होना चाहिए, नहीं होगा बाबा बम भोले का मंदिर है। आज सुबह में जा रहा है, मेरा प्रतिज्ञा है कि मैंने जिस समय नैना में प्रवेश करूंगा, मैं जब भोजन कर लूंगा रंग वीर हो जाएगा। मोहब्बा में भाभी चलना, तुम्हारे मैं महारानी मना करके रखूंगा। सखी सहेली लोग